नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत में आपका स्वागत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर राजनीतिक दल अपने सिपाहसालारों को चुनावी मैदान में उतारकर जंग जीतने को तैयार है। जंग में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज उतर चुकी है। हर दिन राजनीतिक घटनाक्रम बनते बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर भारतीय मोर्चा की दक्षिण मध्य मुंबई की इकाई में भी चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी की स्थिति को मजबूत कर अपनी हैसियत बता रही है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर राजनीतिक दल अपने सिपाही सलाम को चुनावी मैदान में उतरकर जंग जीतने के लिए फौजी को तैयार कर चुका है। जंग में कार्यकर्ताओं की फौज उतर चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर भारतीय मोर्चा की दक्षिण मध्य मुंबई की इकाई भी चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी की स्थिति को मजबूत कर रही है और जन जन के बीच जाकर मोदी जी के कार्यों का हवाला देने का कार्य शुरू कर दिया है। समीक्षा मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। इस क्रम में दक्षिण मध्य मुंबई के वडाला मंडल की बैठक दादर कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें उत्तर भारतीय मोर्चा की महिला पुरुष पदाधिकार का संकल्प लेकर जुट जाने का संकल्प लिया गया। इस पार्टी हमारा परिवार अपने यही बैठ के जुट किए जाएंगे, यही से समस्याओं का समाधान होगा और निश्चित बात दीजिए समाधान होगा तो हम खुशी उत्तर भारतीय मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और उत्तर भारतीय समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, हित चिंतक रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी पूरा उत्तर भारतीय समाज अपने मतों का बंटवारा ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 बार उसको पूरा करने में 100% अपना योगदान देगा और पूरा उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य को पूरा करने का कोशिश करेगा, करेगा, पूरा करेगा। उत्तर भारतीय मोर्चा जो माननीय मोदी जी का नारा नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर जनता का नारा है कि इस बार 400 पार, और ये 400 पार नहीं अब की बार होगा 450 पार। इस तरह से उत्तर भारतीय मुंबई में मोर्चा लगा हुआ, उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की वो इकाई है जो मुंबई में दिल की धड़कन अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो कहा जाता है। और आपने निश्चित ही मान लीजिए कि उत्तर भारतीय मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही बनकर अर्जुन बनकर मोदी जी का घर घर जाकर उनके सपने को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेकर उतरेगा और आगे आने वाले समय में मोदी जी के लिए उसी तरह से मतदाताओं को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ पर पहुंचाकर कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। और जहां तक सवाल है उत्तर भारतीय मोर्चा संघर्ष कैसा कर रहा है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि उत्तर भारतीय मोर्चा की पहचान हमेशा संघर्षशील व्यक्तियों में रही है और ये लोग हमेशा संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। इसका प्रमाण यही है, पर प्रांतीय होकर मुंबई में आकर अपना रोजगार अपना राजनीति यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और देश हित समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर भारतीय मोर्चा पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतर चुका है, इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? आज जैसे देश का माहौल है, धर्मी सारे एक हो गए हैं, धर्मी लोग एक साथ लड़ रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री है धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, उनके साथ उत्तर भारतीय मोर्चा का हर नागरिक बच्चा सब साथ में मिलकर काम कर रहा है। देखिए जिस तरह से इस समय मोदी जी के पीछे जैसे पूरा देश खड़ा है, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं मोदी जी द्वारा, उसको देखते हुए पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और जो अब की बार मोदी जी का सपना है 400 पार, वो इस बार संकल्प उनका पूरा करके देश के बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई बीजेपी के साथ और मोदी जी के विश्वास के साथ खड़ा है। जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। 3 विधानसभा में हमारी मीटिंग बैठक हो चुकी है। मंडल की बैठक होने के बाद हम अपनी जिले की कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और हर वार्ड में अपने जिले के पदाधिकारी दो दो तीन तीन करके जाके बूथ स्तर पर काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के
जो सपना है कि 400 पार, तो हम इसे 450 पार करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल खबरों को करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके आसपास कोई घटना है या कोई समस्या है उसे आप ए भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। चुनावी राजनीतिक गर्मागर्म खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।